नमस्कार, सहर खबर को स्वागत करछु मु राकेश। प्रथमे देखिबा हेडलाइंस। तरंगकारी घूर्णिझड़ रूपनीला बात्या फानी पूरे लैंडफॉल करबा नै पानीपाग केन्द्र पूर्वानुमान, सजग रहिछि प्रशासन। भद्रक तिहिडरे मद विभीषिका, विषाक्त मद पी 5 मृत 35 गुरुतर, प्रतिबादरे पीरहाटरे रास्ता रोक। पाटकुरा विधानसभा आसन पाई बीजेपी प्रार्थी घोषणा, स्वर्गत वेदप्रकाश अग्रवालंक पत्नी सावित्री लड़िबे निर्वाचन, सूचना देले बीजेपी सुप्रीमो नवीन पटनायक। सेपटे निर्वाचन तारीख घुंचाला को दिल्ली गस्तर मुख्यमंत्री, बात्या फानी पाई जातीय निर्वाचन कमिशन को करिबे अनुरोध, विजय कहले भयरे निष्पत्ति नहीं नवीन। आज बांगालोर और राजस्थान मध्य आईपीएल मुकाबला, प्लेऑफ रु बाद पड़ी आरसीबी जोरसोर प्रयास, राति 8 मुहांमुही हेबे उभय टीम। एवं प्रखर खरा सिजुची सारा ओडिशा, 40 डिग्री ऊपर 13 सहर, दुई दिन पर स्थित सुधार आसवा नहीं पानीपाग विशेषज्ञ सूचना। बर्तमान देखा संपूर्ण खबर। भय देखा बात्या फानी, आज सकाळे सीभीयर साइक्लोन रु भेरी सीभीयर साइक्लोन रूप नहीं सारी फानी केउठी लैंडफॉल करिवो ताहा एबे भी स्पष्ट होना, तेबे एहा पुरी निकट लैंडफॉल करिपारे बोली अनुमान करा जाउछि। फानी एबे पुरी ठारु 830 किलोमीटर दूर रही, प्रभाव में प्रबल वर्षा और पवन बहिबा सह दुरे उपकूल ओडिशा रे वर्षा हेबो। एही दिन 40 रु 50 किलोमीटर मध्य पवन बहिबो, किंतु 3 तारीख सारा ओडिशा रे वर्षा हेबो। आउ सेही दिन सकाळे पवन रो वेग 60 रु 70 किलोमीटर बढ़िबो। अपराह्न रे एहा जेउठी लैंडफॉल करिबो सेठारे पवन वेग घंटा प्रति 170 रु 180 किलोमीटर रहिबो बोली अनुमान करा जाउछि। भद्रक जिला तिहिडी ब्लॉक अंतर्गत दौलतपुर गाँव में मद विभीषिका, विषाक्त मद पी 5 जन मृत्यु होता बेले 35 जन असुस्थ अछन्ति। सेमानक मध्यरु 6 जन अवस्था संकटापन्न थिबारु सेमानक कटक बड़ मेडिकल को स्थानांतरित करा जाइछि, तेबे मृतकंक संख्या आगक बढ़ी पारे बोली अनुमान करा जाउछि। मद्यप युवकर उन्मुक्त कांड, अनुगुल जिला तालचेरी थाना अधीनस्थ रेमुआ नुआसाही अंचल रे जने युवक मद्यपान करी ट्रेन लाइन उपरे हाथ रखी सोइथिले। हठात किछि समय परे सेही रेल धारणा उपरे ट्रेन आसी जिबारु युवकक हाथ कटि जाइथिला। गुरुतर युवक स्वाधीन नायक बोली जणा पडिछि। तेबे घटनाटी विलंबित रात्रे होइथा बेले पुलिस पहुंची रक्त जुड़बुड़ अवस्था रे युवकक उद्धार करी अनुगुल चिकित्सालय रे भर्ती करथिले, हेले सेठारे अवस्था गुरुतर हेबारु कटक बड़ मेडिकल को स्थानांतर करा जाए छी। नवरंगपुर जिला कोडिंगा थाना अंतर्गत केरांडी माळ गांव अघटन, वज्रपात जने व्यक्ति मृत्यु होई, मृतक जनक ब्रज भत्रा बोली जना पड़ी। सूचना अनुसार संध्या समय प्रबल झड़ तूफान सहित घड़घड़ी होता, यह समय ब्रज निज आखुबाड़ी काम कर समय वज्रपात मृत्यु हो। अनुगुल जिला बंतला थाना पोकतुंगा गांव पोखरी हुडारु जने व्यक्ति मृतदेह उद्धार कर, मृतक जनक हेले पोकतुंगा गांव जदुनाथ प्रधान। सूचना अनुसार जदुनाथ कौन काम घर बाहरी राति पर्यंत घर को फेरी नथिले, घर लोके बहु खोजाखोजी करिबा परे मध्य जदुनाथ कौन सन्धान मिल नथिला। परे तांको मृतदेह पोखरी हुडारे पड़ी थिबार देखी गांव लोके परिवार को जणाइथिले,
परिवार लोके आसी शव को चिन्हट करबा स पुलिस को खबर देथिले। पुलिस घटनास्थल रे पहुंचे शव जबत करी व्यवच्छेद पई पठाईची। तेबे जदुनाथंकर अंशुघात रे मृत्यु होईची बोली संदेह कर जाउथिबा बेले शव व्यवच्छेद रिपोर्ट आसिला परे मृत्युर कारण जणा पडियो बोली पुलिस कहिची। नवरंगपुर जिला शासन गाँव में भालु आक्रमण में जड़े गुरुतर होती। गुरुतर जनक दयानिधि हरिजन बोली जमापड़ी। सूचना अनुसार सका केन्दुपत्र तोलियापाई जंगल को जाई केन्दुपत्र तोलुवा बेले दयानिधि को पछपटु भालु आक्रमण कर गुरुतर अवस्था वन विभाग कर्मचारी उद्धार कर नवरंगपुर मुख्य चिकित्सालय भर्ती करते। कलाहांडी जिला भवानीपाटन अभावनीय घटना पुणी अंशुघात नेला आउ एक जीवन। मृतक हेले स्थानीय सालभेटा गाँवर श्रीपति साहू। सूचना अनुसार श्रीपति वृत्ति जड़े शिक्षक तेरे कौन काम भवानीपाटन सहर को आसते और कम सारी निज गाँ सालभेटा को फेरुवा बेले से अंशुघात शिकार होते। एने स्थानीय लोके डाक्तरखाना भर्ती करते कि डाक्तर सेठे मृत घोषणा करते। बुलेटिन में सामूहिक ब्रेक और ब्रेक पर भी खबर जारी रहिबो। ब्रेक परे स्वागत। केन्द्रापड़ा जिला पाटकुरा निर्वाचन मंडली प्रार्थीपत्र दाखल कले सावित्री अग्रवाल। सावित्री होती स्वर्गत वेदप्रकाश अग्रवाल धर्मपत्नी। निर्वाचन पूर्व वेदप्रकाश मृत्यु होगापर निर्वाचन को स्थगित रखा जाता। अन्यपटे बीजेडी सुप्रीमो सावित्री को प्रार्थी भाव घोषणा करापर से आज नामांकन पत्र दाखल कर आसंता 19 में पाटकुरा निर्वाचन मंडली मतदान कर। जनमत खूब अच्छी जनमत माँ का सेमती भी जनमत सब बड़े थाए से बेजुआ का पत्नी हिसाब से नुहे निर्वाचन मंडल समस्ते भाभी बोल जानती हाँ छोट पिला भी भाभी कहती भाभी माने भाउज आम तेना बापा भी भाभी कहती जेजे भी भाभी कहती से समस्त भाभी तो भाभी भाग खूब पपुलर से निर्वाचन मंडल समस्ते भल भाव जानी जदि से बेस फिल्ड में मुवमेंट करती फिल्ड जाती खूब कम जाती बट से घरे रही सब मैनेजमेंट करती। सेपटे पाटकुरा विधानसभा निर्वाचन तारीख घुंचाइबा को दिल्ली गस्तरे बीजेडी सुप्रीमो नवीन पटनायक। बात्या फानी ओडिशा मुआ हेले निर्वाचन तारीख घुंचाइबा को जातीय निर्वाचन कमिशन को नवीन अनुरोध करे बोली कहिसंती। सेठारे भारतीय निर्वाचन कमिशन सुनील अरोरा को भेटी तारीख घुंचाइबा को से अनुरोध करिवे। सेपटे नवीन को कटाक्ष कर दृढ़ोक्ति प्रकाश करिसंती विजय महापात्र। से कहिसंती नवीन बात्या पई नुहे बरम पराजय भरे निर्वाचन तारीख को घुंचाइबा को चाहुंती। सरला 19 महाजुद धर्महा लड़े आउ एबे थैथान बेल गाँ गंडा छक बजार की गलिकंदी में आउ देखा मिलवनी गहली एवं नरमी जीव सारा सहर तेबे बहु विशृंखला आउ अनेक बाधा विघ्न मध्य शेष हो महासमर एबे केवल अपेक्षा मे 23 को। दीर्घ डेढ़ मास धरी राज्य में चली राजनैतिक झड़ में पड़ी पूर्णच्छेद शेष हो 19 महाजुद्धर महालढ़े आउ राजनीति रंग मंच अभिनय सारी बाहुरी विभिन्न दलर राजनेता 19 महाजुद्धर तारीख घोषणा ठारु आरंभ कर विभिन्न दलर प्रार्थी तालिका एवं शेष में मतदान पर्यंत सारा राज्य में आरंभ होता महासंग्राम 19 युद्ध में बाजी मारा को निज निजर सिपाही को प्रस्तुत कर मैदान को ओल्ल दलर मुखिया माने आउ से माने मध्य दिनराती एक करी गोटी चलना करते तेबे से जहाँ भी हो चलित बर्षर निर्वाचन थिला बेस रोचकपूर्ण
कहुए राजनीति में सब प्रकार मसला देखा मिली था जेपरिक जो रास्त दीर्घ पांच वर्ष धरी पाद पड़ा से ही रास्त चली चली चप्पल छिड़ाई नेता आ सबुठ मजा कथा हो चाड़घर पांच वर्ष धरी अजणा था से ही घरे पखाड़ खाई भोट पाई नेता माने काकुति विनती होते खाली से नुहे चलित बर्ष निर्वाचन में विशृंखला देखा क्योंकि भोटर माने भोट बर्जन करते तो आउ क्योंकि ईवीएम त्रुटि आउ बूथ रैगिंग विभिन्न स्थान में गंडगोल मारपीट आउ हिंसाकांड आ से जहाँ भी हो गोटे पटे उन्नीस महाजुद्धर चतुर्थ अध्याय राज्यवासी निद हजाई बेले आसंता तेईस तारीख सांघातिक झड़ विभिन्न शिविर छनका भरी चारोटी पर्यायर परीक्षार्थी माने होइतिबा परीक्षार फल बाहर पर हाथी कहा मुंडरे सुनाकलस ढालिब समस्ते अनाइ बसिछते ब्यूरो रिपोर्ट कामयाब टीवी। जीवा परवर्ती खबर को निर्वाचन हिंसा रे चली गला भोटर जीवन जगत सिंहपुर जिला बालिकुदा एरसमा निर्वाचन मंडल गड़कुंजग पंचायत अंतर्गत नोलियासाई गाँव में राजनैतिक हिंसा सूचना अनुसार लक्ष्मण बेहरा भोट दे फेरिया बेले दुईज युवक बचसा होता पर युवक मैंने उत्त्यक्त हो लक्ष्मण को एक बियर बोतल आक्रमण करते खबर पाई घटनास्थल में पीसीआर भ्यान पहुंची लक्ष्मण को मेडिका नहीं जा बाटे मृत्यु होता तेबे मृत लक्ष्मण दल बदल करिबारु एभली घटना घटी थारे बोली पुलिस संदेह करुछि। अन्यपटे हत्याकांड घटाइथिबा युवक कुना बेहरा बोली प्राथमिक तदंतर जनापड़ी माओवादी बर्बर कांड घर डाकिनी जड़े व्यक्ति को हत्या कर जनापड़ी एभली अभावन घटना घटी बलांगीर जिला पटनागढ़ झरीपा गाँव में मृतक जनक त्रिलोचन घटिया तेज पुलिस इनफर्मर सन्देह त्रिलोचन को 20-25 जन माओवादी घर डाकिनी हत्या करते सेपटे माओवादी मैंने मृतदेह निकट एक हाथलेखा पोस्टर छाड़ जा देखा मिली केन्दुझर घट गाँव में दीर्घ 17 दिन धरी उपडाकघर सेवा ठप हेबारु लोके हंतसंत होता देखा मिली सूचना अनुसार गत 16 तारीख में पोस्टमास्टर निलांबर नायकंक माछगड़ पोस्ट ऑफिस को बदल होगापर तांक बदल में आसिस्टेंट पोस्टमास्टर निरंजन कुमार मिश्र घटगाँ उपडाकघरे जोगदे तेज यूजर आईडी नथिबारु डाकघर को प्रतिदिन मनी अर्डर आरडीडी डिपोजिट स्पीडपोस्ट काम आसुवा बेले लोक असुविधार सम्मुखीन होती एने पोस्टमास्टर उपरिस्थ अधिकार को अवगत कराइले एपर्यंत कौन सुफल मिल पारिना आज आसती पोस्टल डिपोजिट करने पांच सात थर फेल डिपोजिट करने डिपोजिट नौना मोर गोटे आरडी लोन करी चाष सकाशे से आरडी लोन सुझापी भी पैसा धरिकी मुझे 10-12 थर फेल मुझे रिक्वेस्ट कला सत्ते लोन नौना समस्या हूँ केवल मोर सब यूजर आई डी सार यूजर आई डी पासवर्ड आस पार ना फल असुविधार सम्मुखीन होती लोक मैंने कौन किसी ट्रांजाक्शन किए उठे पार ना कि डिपोजिट कर पार ना समस्या हो कि आरपीएल आई राम सब चलिए बुलेटिन में समय आउ एक ब्रेक ब्रेक पर भी खबर जारी रहिब। ब्रेक परे पुणि थरे स्वागत। देशर सर्वोच्च क्रीड़ा पुरस्कार राजीव गांधी खेलरत्न निमन्ते सोमवार 4 जन क्रीड़ाविद नाम सुपारिश होई भारतीय कुस्ती महासंघ तरफ खेलरत्न निमन्ते बजरंग पुनिया और विनेश फोगोन नाम सुपारिश कर बंधुक चालन में महासंघ तरफ हिना सिधु और अंकुर मित्तल नाम घोषणा कर
আজি আইপিএল রে মহামুই হেবে রয়্যাল চ্যালেঞ্জর ব্যাঙ্গালোর ও রাজস্থান রয়্যালস। ব্যাঙ্গালোর চিন্নাস্বামী স্টাডিয়ামে রাতে 8টায় এই ম্যাচ খেলা যাব। বিরাট কোহলি নেতৃত্বাধীন ব্যাঙ্গালোর আইপিএল চলিত সংস্করণে 900 জনক প্রদর্শন জারি রাখি। বর্তমান সুদ্ধা ব্যাঙ্গালোর 12টি ম্যাচর 4টি বিজয় 8টি পরাজয় সহ 8 পয়েন্ট পাই টেবুল সর্বনিম্ন স্থানে রই প্লেঅফ দৌড়ের বাদ পড়ে সারি। সেপটে 12টি ম্যাচর 5টি বিজয় এবং 7টি পরাজয় সহ 10 পয়েন্ট পাই সপ্তম স্থানে রয়েছে রাজস্থান। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା କୋଇଲାନଗରୀ ତାଲଚେରେ ଏବେ ଅଗ୍ନିବର୍ଷା ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଗତ 28 ତାରିଖରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 46.3 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ଏବେ ପାରଦ 44 ଡିଗ୍ରୀରୁ ତଳକୁ ଖସୁନାହିଁ, ଫଳରେ ସକାଳ 8ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ବଳବତ୍ତ ରହିଥିବାରୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ବ୍ୟବସାୟ ଯାତାୟତ ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ଘନ ଘନ ବିଜୁଳି କାଟ, ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଏଠାକାର ଲୋକଙ୍କର ଏବେ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ପାଲଟିଛି। ସେପଟେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତାଲଚେର ବାସୀଙ୍କ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ନେଇ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଖରାଟା ସବୁ ବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତା ପ୍ରତି କେତେ ଦୂର ଆମର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। 45 ଡିଗ୍ରୀ ଖରା ହେବା କଥା ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଲଚେରରେ ସବୁ ବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ କୋଇଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଗଦା ଗଦା କୋଇଲା ପଡ଼ୁଛି ଏମସିଏଲରେ। ଠିକ୍ ସେ ଏମସିଏଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଠିକ୍ ସେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ପାଣି ଟିକେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏଥିରେ ତାପମାତ୍ରା ବଡ଼ ଅସହ୍ୟ, ଏଠି ଧନଜୀବନ ପୁରାପୁରି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ। ଏଠି ମାନେ 8ଟା ପରେ ଲୋକମାନେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ପୁରା ଶୂନଶାନ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତାଲଚେର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧିର କାରଣ ହେଉଛି ଇଏ ପାଖାପାଖି 100 ବର୍ଷର କୋଇଲା ଖଣି। କୋଇଲା ଖଣି ଦ୍ୱାରା ବଡ଼ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ଇଏ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏମାନେ ପରମିସନ ନେଇ କୋଇଲା ଖଣି ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଅନୁସାରେ ଆମର ବିଡ଼ିଓ ଦୁଇ ଜଣ ବିଡ଼ିଓ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ସରଙ୍କୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଜଳଛତ୍ର ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଖୋଲିବା କଥା ତୁରନ୍ତ ଖୋଲିଦେବେ ଏବଂ ଏନ୍ସିଓର କରିବେ ଯେ ଜଳଛତ୍ର ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲୁଛି ବୋଲି। ତା ସହିତ ସେସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଯେମିତି ପାୱାର ଫେଲିଅର୍ ବେଶୀ ନ ହେବ ସେଟାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆମର ସନ୍ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ରୁମ୍ ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଯାଇଛି ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ବିଡ଼ିଓମାନଙ୍କୁ ଯେ NREGSରେ କିମ୍ବା କୌଣସି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ୱାର୍କର ଯେମିତି ଦିନ 11ଟା ପରେ ଏବଂ 3ଟା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବାହାରେ କାମ କରିବେ ନାହିଁ। ତାତିରେ ସିଝୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆଶା ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାରେ ଆଉଟୁପାଟୁ ହେଉଛି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା। 13 ସହରର ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ରାଜ୍ୟର ସବୁଠୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ରହିଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ତାପମାତ୍ରା 84.6 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ 84.5 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର 10ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି। ଏହି ତାଲିକାରେ ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦୁଝର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ଅନୁଗୁଳ, କନ୍ଧମାଳ, ସୋନପୁର, ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ କଳାହାଣ୍ଡି ରହିଛି। ତେବେ 2 ଦିନ ପରେ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ରୂପ ନେଲା ବାତ୍ୟା ଫାନି, ପୁରୀରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରିବା ନେଇ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ବାନୁମାନ, ସଜାଗ ରହିଛି ପ୍ରଶାସନ। ଭଦ୍ରକ ତିହିଡ଼ିରେ ମଦ ବିଭୀଷିକା, ବିଷାକ୍ତ ମଦ ପିଇ 5 ମୃତ, 35 ଗୁରୁତର, ପ୍ରତିବାଦରେ ପିରହାଟରେ ରାସ୍ତାରୋକ। ପାଟକୁରା ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ବିଜେପିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା, ସ୍ୱର୍ଗତ ବେଦପ୍ରକାଶ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସାବିତ୍ରୀ ଲଢ଼ିବେ ନିର୍ବାଚନ, ସୂଚନା ଦେଲା ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେପଟେ ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୁଞ୍ଚାଇବାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ବାତ୍ୟା ଫାନି ପାଇଁ ଜାତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ କରିବେ ଅନୁରୋଧ, ବିଜୟ କହିଲେ ଭୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ନବୀନ। ଆଜି ବାଙ୍ଗାଲୋର ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ଆଇପିଏଲ୍ ମୁକାବିଲା, ପ୍ଲେଅଫ୍ରୁ ବାଦ ପଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଆର୍ସିବିର ଜୋରସୋର ପ୍ରୟାସ, ରାତି 8ରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଏବଂ ଉଭୟ ଟିମ୍।
ଏବଂ ପ୍ରଖର ଖରା ଆସିଯାଉଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା। 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ 13 ସହର। 2 ଦିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସୂଚନା। ସହର ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.kamyaptv.in। ନମସ୍କାର।